तो आज का मेडिटेशन लेबोरेटरी का सेकंड सेशन है और आशा करते हैं कि आप सभी ने लास्ट सेशन अटेंड किया है और साथ में ही जुड़े हैं इस सेकंड सेशन के लिए। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि लास्ट सेशन में लास्ट एक्सरसाइज आपको होमवर्क के लिए कहा था कि आपको पूरे दिन भर में 8 टाइम्स आपको करना है, तो आप में से किस किसने वो होमवर्क किया और कितनी बारी किया, हाउ मेनी टाइम्स? यू कैन मेंशन द नंबर इन द चैट बॉक्स, आप लिख सकते हैं। होमवर्क सभी ने किया ना? इसने लिखा 1 टाइम ईच डे। अच्छा, 1 time each day, वेरी गुड। सो एक बारी किया, 2 बारी किया, 8 बारी किया। ओके, सो जितना नंबर ऑफ टाइम्स हमने इस होमवर्क को किया होगा, तो आपने पर्सनली एक्सपीरियंस किया होगा कि जब जब हमने एक एक बार जैसे करते गए, हमारे लिए वो एक्सपीरियंस से कनेक्ट होना बहुत ईजी हो गया, राइट? जैसे फर्स्ट टाइम अगर हम करते हैं साथ में, वापस जब आपने किया तो आपको थोड़ा सा मे बी एफर्ट लगा होगा, धीरे धीरे अगली बार करेंगे तो एफर्ट कम होता जाएगा, वो एक्सपीरियंस की क्वालिटी और बढ़ती जाती है और काफ़ी इजीली हम कनेक्ट कर पाते हैं। तो जैसे वो न्यूरल नेटवर्क होता है, वो एक्सपीरियंस कर लेता है कोई चीज़ तो वो स्टोर हो जाता है, राइट? तो जैसे आप बार बार अगर वापस वो करते जाएंगे तो वो बहुत स्ट्रांग आपका एक्सपीरियंस से कनेक्ट करना आपको और ईजी हो जाएगा। तो आज के सेशन शुरू करने से पहले एक क्विक रिकैप करते हैं लास्ट सेशन का, ठीक है? तो जैसे लास्ट सेशन की शुरुआत हमने की थी कि आप सब ने ये सेशन को ज्वाइन क्यों किया, तो सब ने अपना अपना एक ऑब्जेक्टिव शेयर किया। फिर हमने मेडिटेशन क्या है वो जाना, हर एक ने अपनी बातें सुनाई और एक स्पंज का एग्जाम्पल दे के आपको एक्सप्लेन किया कि ये स्पेस क्रिएट करना है और ये जो क्रिएटिव विजुअलाइजेशंस हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसके लिए 4 बातों को ध्यान में रखना है, 4 रूल्स हमने डिस्कस किए। सबसे पहला है कि वेस्ट थॉट्स आएंगे, इधर उधर की बातें आएंगी, लेकिन उसके डिटेल में नहीं जाना है, उसकी स्टोरी में नहीं जाना है। दूसरा, अपने थॉट्स को सीक्वेंस करना है, एक ऑब्जेक्टिव होना बहुत ज़रूरी है ताकि हम उस दिशा में अपने संकल्पों को मोड़ते जाए। तीसरी बात, फीलिंग पे फोकस करना है, जैसे अभी सेशन स्टार्ट हुआ तो हाउ एम आई फीलिंग, और बाय द एंड ऑफ द सेशन आप चेक करना कि मेरी फीलिंग कैसी है। ऐसे ही हर एक्सपेरिमेंट के बाद, हर एक्सरसाइज के बाद आप उसको चेक करते जाना, फोकस ऑन द फीलिंग, बहुत ज़्यादा लॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं है। और अच्छा या बुरा मेडिटेशन नहीं होता है, हर एक का अपना अपना अनुभव है, हम कैसे मेडिटेशन कर रहे हैं तो उस एक्सपीरियंस को एंजॉय करना है, ठीक है? फिर हमने पोजेस कैसे बैठना है मेडिटेशन में वो चेक किया, वो शेयर किया, डिस्कस किया, और उसके बाद में मेडिटेशन एक्सपेरिमेंट्स जो है इस लैब में उसको हमने करना शुरू किया। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था उस गुलाब के फूल का, उसको विजुलाइज किया, फिर घर में चक्कर लगाया, वो मैजिकल मिरर देखा, उसमें आपका चेहरा फेड होता जाता है, वापस आता है, फिर वो सितारा, उसकी लाइट फैलती है, कम होती है, सो वो एक्सपेरिमेंट किया। सेकेंड, थर्ड, उस सितारे को हम ऊपर ले गए, सीलिंग को टच किया, वहाँ से नीचे देखा, फिर उसके बाद हमने अंदर चले गए अपने हेड में और पूरा लाइट दिया अपने ब्रेन, आँखों को, सब ऑर्गन्स को। उसके बाद हमने पूरी बॉडी में वो लाइट फैलाई, फिर वेकेशन पे गए, वहाँ से वो खुशी का, वो शांति का अनुभव करके आए, और लास्ट में उस शांति के अनुभव के साथ पूरे बॉडी में वो लाइट हमने फैलाई, सो वो शांति का अनुभव हमने किया। तो टोटल 7 एक्सरसाइजेस थे जो हमने छोटे 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 करते करते वो एक्सपीरियंस तक पहुंच गए। तो लास्ट सेशन का जो फोकस था वो हमारा पूरा अपने ऊपर था, हमारा हमारे अपने आप से वो जो कनेक्शन है उसको हमने एक्सप्लोर किया, एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपीरियंस किया, और हमारी अपनी पावर कितनी है उसको भी रियलाइज़ किया कि वी ऑल हैव दैट हीलिंग पावर, और उसको जब हम यूज़ करते हैं पूरा एकाग्रता के साथ में तो वो भी कमाल करती है, हमें अपने आप को ठीक करने में बहुत मदद करती है। तो आज हम आगे बढ़ेंगे
और आज का जो सेशन है जिसमें हम समझेंगे कुछ और बातों को, जो वापस गेटिंग बैक टू द बेसिक्स, रिविजिट करेंगे उन चीज़ों को और फिर आज के मेडिटेशन एक्सपेरिमेंट्स को करते जाएंगे। तो जैसे हमें पता है कि हमारा मन क्या करता है, लास्ट सेशन में भी जैसे हमने देखा कि पूरे दिन भर में हम बहुत सारे थॉट्स क्रिएट करते रहते हैं। रिसर्च कहता है कि 60,000 से भी ज़्यादा थॉट्स हम पूरे दिन में सोचते रहते हैं, वो चक्कर चलता रहता है। सो देयर आर सो मेनी थॉट्स इन आवर माइंड थ्रू आउट द डे। लेकिन मेडिटेशन से हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि उन थॉट्स को जीरो नहीं करना है, लेकिन उसको कम करना है, द स्पीड ऑफ द थॉट्स जो है हमारा उसको रिड्यूस करना है। तो अब मन जैसे बहुत ज़्यादा सोचता है तो मन के सारे जो संकल्प है, विचार जो है, वो चले जाते हैं दूसरे फैकल्टी के पास, बुद्धि के पास। तो बुद्धि क्या करती है? बुद्धि के दो काम है। सबसे पहला क्या करती है वो, बुद्धि के पास जो सारे संकल्प आते हैं, सारे थॉट्स आते हैं, तो उसको वो इवैल्यूएट करती है, एनालाइज करती है, फिर उसमें डिसीजंस लेने में हमें हेल्प करती है। जो भी जजमेंट्स है, डिसीजंस है, वो हमें लेने में मदद करती है। अब ये डिसीजंस लेने के लिए हमें दो चीज़ों की मदद होती है, दो फिल्टर्स है बुद्धि के पास। वो फिल्टर्स कौन से है? एक है हमारी विल पावर, इच्छा शक्ति, और दूसरा है हमारा विवेक, विजडम। तो ये दो फिल्टर्स के आधार से वो सारे जो थॉट्स आते हैं उसको फिल्टर करके वो हमें राइट डिसीजंस देती है, राइट? अब होता क्या है कि बहुत बार हम लाइफ में राइट डिसीजंस नहीं ले पाते हैं, तो उसके मुख्य चार कारण हैं जिसकी वजह से बहुत बार हमारे लाइफ के डिसीजंस जो है वो हम ठीक नहीं ले पाते हैं या कहीं ना कहीं वो गड़बड़ हो जाती है। तो वो चार बातें कौन सी है? सबसे पहली, हमारे अपने बनाए हुए कुछ एक मेंटल पोजिशनिंग है हमारा। सबसे पहला तो माना हर एक चीज़ को देखने का एक दृष्टिकोण है, किस तरह से हम उस चीज़ को देखते हैं, देखने का नज़रिया हमारा बन गया है। देयर इज़ अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल दैट वी ऑलवेज गिव, हाउ डू यू सी द ग्लास, इज द ग्लास हाफ फुल और हाफ एम्प्टी, कैसे उस ग्लास को देखते हैं। तो वो हमारा देखने का एक मेंटल पोजिशनिंग है। सो उसी दृष्टि से देखेंगे तो हमारे डिसीजंस हमेशा वैसे ही होंगे। फिर हम कहते हैं कि हमारे डिसीजंस ठीक नहीं हो रहे, क्यों? क्योंकि देखो चश्मा कौन सा पहना है, किस तरह से देखते हैं उस सिचुएशन को, पॉजिटिव देखते हैं, नेगेटिव देखते हैं। सो वो पोजिशनिंग कैसा है मेरा, मेंटल पोजिशनिंग, ये पहली बात। वी आर नॉट गोइंग इन टू द वेरी डिटेल्स ऑफ इट, बट जस्ट एक थोड़ा थोड़ा समझ के हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? फिर दूसरी बात है हमारे अपने मेंटल लिमिट्स है, जो हमने बनाए हुए हैं, फैमिली से है, सोसाइटी से है, कल्चर से है, जिस देश में रह रहे हैं, एनवायरनमेंट से है, अलग अलग तरह के कुछ हमने बनाए हुए अपने एक मेंटल लिमिट्स सामने आ जाते हैं, जो लिमिटिंग बिलीफ से हमारे, जैसे बहुत बार कॉमनली लोग कहते हैं कि आई एम वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड। तो ये क्या है, हमने अपने लिए बनाया हुआ एक जैसे एक सीमित कर देते हैं अपने आप को, और फिर उसी सोच के आधार से फिर हम अपने डिसीजंस ले लेते हैं। तो वो भी एक जैसे हमारी एक लिमिटेशन बन जाती है, जहाँ पर बुद्धि हमें राइट डिसीजंस नहीं लेने देती है। तो ये दूसरी बात। तीसरी बात है अजम्पशंस। बहुत बार हम मान के चलते हैं ये ऐसे ही होगा। बहुत एक सिंपल एग्जाम्पल है, जैसे अगर मैं कोई जैसे भी कुछ बोलता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो चेक करना कि मेरे सामने कौन सा इमेज पहले आता है, कौन सा चित्र दिखाई देता है। अगर मैं कहूँ डॉक्टर, पायलट, राइट? तो अब अगर मैं डॉक्टर कहता हूँ या पायलट कहता हूँ, सो विच वॉज द इमेज विच केम इन फ्रंट ऑफ यू, वॉज इट अ मेल और अ फीमेल? मोस्टली इट्स अ मेल। अब इतने सारे फीमेल डॉक्टर्स है, बट स्टिल व्हाई दैट इमेज इज ऑफ अ मेल ऑलवेज, व्हाई कैंट वी सी अ फीमेल पायलट इन फ्रंट ऑफ अस, राइट? बिकॉज आई हैव अज्यूम्ड कि हमेशा वो वैसे ही होगा, राइट? तो वो अजम्पशंस भी क्या करते हैं, मुझे राइट डिसीजंस नहीं लेने देते हैं। अज्यूम करके चलते हैं कि हाँ मैं ऐसे ही होगा, बट वो वास्तव में वैसे शायद नहीं होता है, राइट? एंड द लास्ट थिंग इज, जब हम अपने मेमोरीज की बात करते हैं
या हमारे जो संस्कार होते हैं उसमें जब हम बात करते हैं तो उससे काफी कनेक्टेड हो जाती है चीज, हमारे एसोसिएटेड मेमोरीज, जो हमारी पुरानी बातें हैं, यादें हैं, जो सारा स्टोर किए हुए सारे एक्सपीरियंसेस है, तो वो भी क्या हो जाते हैं, कहीं ना कहीं एक रुकावट बन जाते हैं। आपके घर में बहुत सुंदर वाज है, पॉट है, फ्लावर पॉट है फॉर एग्जाम्पल, वट एवर, वेरी ब्यूटिफुल थिंग। जैसे आपके घर में कोई जैसे साफ कर रहा है एंड योर मेड जो सर्वेंट है उसने शायद तोड़ दिया, एक बार हो गया, आपने उसको बहुत प्यारा था इसलिए वापस वैसे ही रिप्लेस कर दिया, फिर सेकेंड टाइम वापस उसी से वो टूट गया साफ करते करते, फिर ऐसा हुआ कि थर्ड टाइम वापस वो वास टूटा। अब इस बार भी आप क्या करेंगे, आपको क्या ख्याल आएगा, वो किसने तोड़ा है, वापस उसी व्यक्ति पे अटेंशन जाएगा। व्हाई? बिकॉज लास्ट दो एक्सपीरियंसेस जो है ना वो मेरे यही कहते हैं कि उसी ने तोड़ा। फिर थर्ड टाइम हम क्या करेंगे, हम ये नहीं सोचेंगे कि किसी और ने तोड़ा हुआ है, जबकि उसने तोड़ा ही नहीं था इस बार, वो किसी और से टूटा था, लेकिन फिर भी हमारे जो एक्सपीरियंसेस स्टोर्ड है वो हमें क्या करते हैं, हमें डायरेक्ट करते हैं कि वो उस वैसा ही होगा, उसी बंदे ने किया होगा, उसी से टूटा होगा। सो वो हमारे एसोसिएटेड मेमोरीज जो है वो भी बहुत बार एक बैरियर बन जाते हैं जो हमें राइट डिसीजंस नहीं लेने देते हैं। तो हमें फोकस करना है कि ये फिल्टर्स को अच्छे तरह से उसको क्लीन रखे, और ताकि हम राइट डिसीजंस ले पाए, इन सारे ऑब्स्टिकल्स को पार करके हमें उसको देखना है बहुत क्लीन क्लियर इंटेलेक्ट रखते हुए। तो वो कैसे होगा, तो ऑफ कोर्स मेडिटेशन से होगा, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है जैसे हम साइंस सॉरी जो स्पिरिचुअलिटी में काफ़ी ये वर्ड्स सुनते हैं, अटैचमेंट डिटैचमेंट, डिटैचमेंट ज़्यादा करके हम बोलते हैं, तो अटैचमेंट तो सभी को पता है अटैचमेंट क्या है, राइट? हम कोई व्यक्ति से अटैच हो जाते हैं, कोई वस्तु से अटैच हो जाते हैं, तो ये अटैचमेंट है हमारा, राइट? अटैचमेंट तो सब एक्सपीरियंस किया हुआ है। नाउ द क्वेश्चन इज ऑफ डिटैचमेंट, जब डिटैचमेंट वर्ड सुनते हैं तो थोड़ा भारी हो जाते हैं, कैसे होगा, इज इट रियली पॉसिबल, क्या मैं कर पाऊंगा, कर पाऊंगी, और फिर थोड़ा डर जाते हैं और फिर कहते हैं कि नहीं, स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा आने में मुझे टाइम लगेगा, राइट? अब अटैचमेंट क्या है, वास्तव में हमारा जो बुद्धि का जो योग है, कनेक्शन है, वो उससे जुड़ जाता है। कोई दुकान में चले जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, कोई चीज़ आपको पसंद आई तो मेरा बुद्धि का कनेक्शन उसी के साथ जुड़ गया। घर आते हो तो भी मैं वही सोच रही हूँ, काम कर रही हूँ तो भी मुझे वही चीज़ दिखाई दे रही है, सो मेरा क्या हो गया, वो बुद्धि का योग जो है उसके साथ जुड़ गया। अब मुझे क्या करना है, उससे अपने को फ्री करना है, तो फ्री करना है तो उसके लिए चाहिए मुझे मेडिटेशन। एक सही तरह से हमने उस अपने आप को डिटैच करना आना चाहिए, तो थोड़े समय के लिए भी जैसे हम अनप्लग करते हैं अपने आप को, तो वो जो एक फीलिंग है इंडिपेंडेंस की, फ्रीडम की, वो हमें काफ़ी हेल्प करती है, एक अलग एनर्जी भरती है, लाइटनेस लाती है, और जो लाइटनेस लेके हम वापस आ जाते हैं अपने काम में, तो वो हमें हेल्प करती है फोकस रहने में, राइट डिसीजंस लेने में, ताकि हम बिल्कुल डिटैच रह सके, डिटैच रहकर काफ़ी ईजीली उस सिचुएशन को देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं और राइट डिसीजंस हम ले सकते हैं। तो ये तो सारी बोलने की बातें हैं, लेकिन इसको हम जब प्रैक्टिकल में एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हमें और अच्छा लगेगा। सो ये तो एक बुद्धि की फर्स्ट बात है। दूसरी बात है, जो हमारी बुद्धि में अब तक के सारे हमारे एक्सपीरियंसेस स्टोर किए हुए हैं, वो सारा हमारा स्टोरेज सिस्टम है। जैसे हम बैठे हैं यहाँ पे, लेकिन मैं कहूँ आपको कि आप बचपन में कहाँ रहते थे, कौन से स्कूल में जाते थे, आपके फेवरेट स्नैक्स कौन से थे, या आपके फ्रेंड्स कौन कौन थे, आपकी फेवरेट टीचर कौन सी थी, कौन से कलर के ड्रेस आपको अच्छे लगते थे, आपका हर एक चीज़ जैसे पूछूँ मैं, तो आपको हर एक चीज़ जैसे फटाफट 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 वो इमेजेस सामने आ जाते हैं। अगर हम स्क्रीन में भी देखना है हमें, तो वो स्क्रॉल करने में टाइम लगता है, लेकिन ये सिस्टम बहुत फास्ट है, एक्यूरेट है, प्रॉम्प्ट है, इंस्टेंटली आ जाता है। तो उसमें क्या है, सारा आपने बोला स्कूल, तो वो स्कूल वाला फाइल फोल्डर ओपन करके आपको दिखाएगा, सो दिस इज व्हाट इट इज, राइट?
तो इतना हमारा बुद्धि जो है इतना फास्ट इतना एक्यूरेट काम करता है। तो आज हम इसी बात को एक्सपीरियंस करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे और देखते हैं कि अनुभव हमारा कितना, जो एक्सपेरिमेंट्स है हमारे कितने सक्सेसफुल होते हैं, राइट। हम सब, जैसे मैंने कहा लास्ट टाइम भी, कि हम अपने अपने लेबोरेटरी में बैठे हैं और वहाँ पर हम ये योग के प्रयोग कर रहे हैं, राइट। तो बहुत अच्छे से अभी इन योग के प्रयोगों को करेंगे। सब रेडी है ना? यस। हाँ, तो जैसे होमवर्क एक्सरसाइज बताया था, तो आप जिन्होंने किया है बहुत अच्छा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जिन्होंने नहीं किया है उनके लिए हम साथ में अभी करेंगे, ठीक है। सो एवरी सेशन विल डू दैट लास्ट एक्सरसाइज फर्स्ट और फिर हम आज के मेडिटेशन एक्सपेरिमेंट्स की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। ओके, तो अब चैट बॉक्स का यूज़ करना नहीं भूलना, बीच बीच में चैट बॉक्स को यूज़ करते रहना और बताना मुझे, ताकि पता चले कि आप साथ में हैं नहीं हैं, हाउ इज़ द होल एक्सपीरियंस। यस, वंडरफुल, ठीक है। सो चलो चलते फिर आगे। अलर्ट होके बैठेंगे सभी। गहरी सांस लेते हुए अपने आप को रिलैक्स्ड और कंफर्टेबल करें। मेरा मन बिल्कुल शांत है। स्थिर है। देखिए अपने आप को, जहां भी आप बैठे हैं उस कमरे में, चारों तरफ से अपने आप को देखते हुए ले आए अपना अटेंशन मस्तक के बीच चमकते हुए सुंदर सितारे पर। बहुत ध्यान से देखे मस्तक के बीच चमकता हुआ सुंदर सितारा, शांति का सितारा, सफेद शांति की लाइट फैलाता हुआ। देखे उस लाइट को फैलते हुए मस्तक से पूरे चेहरे पर, शांति की लाइट फैलाता हुआ शांति का सितारा, और देखिए उस शांति की लाइट में मेरा चेहरा कितना सुंदर चमक रहा है। लुक एट योर फेस ग्लोइंग विथ व्हाइट ब्राइट लाइट, लाइट ऑफ पीस। अब हम ले चलेंगे इस सितारे को आंखों के पीछे मस्तिष्क के मध्य में, सभी ऑर्गन्स के बीच, अब हमें इस सितारे की लाइट को, शांति की लाइट को पूरे शरीर में फैलाना है। बहुत ध्यान से देखे शांति का सितारा, सफेद शांति की लाइट ब्रेन पर फैला रहा है। देखिए आपका लेफ्ट ब्रेन, धीरे धीरे इस लाइट को फैलते हुए देखे आपके राइट ब्रेन पर, ऊपर देखिए आपका पूरा ब्रेन इस शांति की लाइट में, ब्रेन का हर एक सेल शांति के प्रकाश में। धीरे धीरे ये लाइट फैल रही है, फैलाए इस लाइट को अंदर से अपनी आंखों पर, आपकी लेफ्ट आंख,
राइट आंख, दोनों आंखें शांति के शुभ्र प्रकाश में देखे, सितारे की लाइट अंदर से आपके नाक पर, नाक से धीरे धीरे आपके मुख में, इन योर माउथ। देखे सितारे का शांति का प्रकाश अंदर से आपके दांतों पर फैल रहा है, आपका लोअर जॉ, अपर जॉ, अपर पैलेट, लोअर पैलेट, योर चीक्स फ्रॉम इनसाइड, योर टंग, अंदर से आपका पूरा मुख। शांति की लाइट में हीरे समान हर एक दांत चमक रहा है, शांति का सितारा, शांति की लाइट फैला रहा है। बहुत ध्यान से देखते रहे शांति के सितारे को, शांति का प्रकाश फैलाते हुए। और अब देखे इस सितारे को लाइट फैला रहा है अंदर से आपके कानों पर, आपका लेफ्ट कान, कान का पर्दा, आपका राइट कान, कान का पर्दा, अंदर से दोनों कानों पर शांति की लाइट फैल रही है। देखिए अंदर से आपका पूरा सिर, हर एक ऑर्गन शांति की लाइट में, ब्राइट लाइट में। अब धीरे धीरे देखे इस लाइट को नीचे उतरते हुए, आपके सिर से गले की ओर, गले से धीरे धीरे नीचे आपके चेस्ट में। लुक एट दिस लाइट फिलिंग योर चेस्ट रीजन, आपके चेस्ट से धीरे धीरे ये शांति का प्रकाश आपके लंग्स में, लंग से देखे इस लाइट को नीचे उतरते हुए आपके हार्ट की ओर। देखिए आपका दिल अंदर से कैसे धड़क रहा है और उस पर ये शांति का प्रकाश फैलता जा रहा है। अंदर से हर एक वेन सारे ब्लॉकेजेस क्लियर कर रही है। ये लाइट आपके पूरे हार्ट को शांति की लाइट से रोशन कर रही है। शांति का सितारा, शांति की लाइट फैला रहा है और ये लाइट और ब्राइट होती जा रही है। देखे इस लाइट को फैलते हुए अंदर से आपके लिवर पर, लिवर से आपके पेट में, पेट से धीरे धीरे पैनक्रियास, इंटेस्टाइन, आपकी किडनी, किडनी के फिल्टर्स, सारे छोटे मोटे ऑर्गन्स, सब पर यह शांति का वाइट लाइट, सफेद शुभ्र प्रकाश फैल रहा है। देखिए धीरे धीरे ये लाइट पीछे मेरे स्पाइन में ट्यूबलाइट की जैसे चमक रही है। योर नेक, योर अपर बैक, लोअर बैक, पूरी पीठ शांति की लाइट में। देखिए ऊपर से धीरे धीरे कमर तक ये शांति का शुभ्र प्रकाश फैला हुआ है। अब फैलाएंगे इस लाइट को अपने पैरों में, स्टार्टिंग विथ योर लेफ्ट लेग। देखिए कमर से ये ब्राइट लाइट, शांति का पावरफुल प्रकाश
कमर से धीरे धीरे मेरे लेफ्ट पैर के घुटने की ओर, सी द लाइट फ्लोइंग फ्रॉम इनसाइड, घुटने से धीरे धीरे नीचे, शांति का शुभ्र प्रकाश नीचे उतर रहा है आपके लेफ्ट पैर के एंकल से धीरे धीरे उंगलियों तक, योर सोल, योर फिंगर्स, पूरा पैर शांति के शुभ्र प्रकाश में, ब्राइट लाइट में। अब हम फैलाएंगे इस शांति के प्रकाश को अपने राइट लेग में, कमर से देखें इस ब्राइट लाइट को, धीरे धीरे नीचे उतरते हुए घुटने की ओर, घुटने से धीरे धीरे नीचे आपके राइट पैर की एंकल, सोल, टू योर फिंगर्स, पूरा पैर उंगलियों तक, शांति के शुभ्र प्रकाश में, ब्राइट लाइट में, लाइट ऑफ पीस। देखिए आपके दोनों पैर शांति की लाइट में चमक रहे हैं। अब हमें इस शांति के प्रकाश को फैलाना है अपने हाथों में। देखिए आपका लेफ्ट हैंड शोल्डर से ये लाइट धीरे धीरे नीचे उतर रही है, फ्रॉम योर एल्बो टू योर फोरआर्म, धीरे धीरे ये ब्राइट लाइट आपके रिस्ट से टू योर पाम, योर फिंगर्स, पूरा हाथ शांति के शुभ्र प्रकाश में, पूरा हाथ जैसे रिलैक्स हो गया, लाइट हो गया। धीरे धीरे ये लाइट फैलाए अपने राइट हैंड में। देखिए शोल्डर से ये ब्राइट लाइट नीचे उतर रही है, या एल्बो, योर फोरआर्म, योर रिस्ट, योर पाम, योर फिंगर्स, पूरा हाथ सफेद शांति की लाइट में। देखिए आपका पूरा शरीर शांति के शुभ्र प्रकाश से प्रकाशित है और धीरे धीरे ये लाइट फैल रही है शरीर से बाहर, लगभग 6 इंच। शरीर के अंदर की लाइट मेरे शरीर के सारे दर्द को, सारी बीमारियों को ठीक कर रही है। मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ, स्वस्थ हूँ, शक्तिशाली हूँ। और मेरे शरीर के बाहर की लाइट मुझे सभी विघ्नों से, परेशानियों से, चिंताओं से बिल्कुल सेफ और सुरक्षित अनुभव करा रही है। देखिए ये लाइट आपके पूरे कमरे को रोशन कर रही है, मेरे आसपास, मेरे चारों ओर शांति की लाइट है और मैं बिल्कुल शांत हूं, लाइट हो। गहरी सांस लेते हुए आ जाएंगे वापस Thank you and welcome back. Om Shanti, welcome back. So this was our last homework exercise. सभी साथ में थे तो ये एक्सरसाइज से आपकी अब तक दिन भर की थोड़ी बहुत थकान रही होंगी तो वो ठीक हो गई, थकान उतर गई सारी, है ना? तो अभी हम चलते हैं आज के एक्सरसाइजेस की ओर। तो ये जो आज के एक्सपेरिमेंट्स हैं थोड़े से अलग है। जब हम ये एक्सरसाइजेस करते हैं तो बहुत बार ऐसे लगता है कि
क्या ये कर रहे हैं छोटे बच्चों जैसा। लेकिन ये विजुलाइजेशंस जब हम करेंगे आज के, तो थोड़ा प्लेफुल होके करना, ऐसे समझना जैसे बिल्कुल बच्चे बन गए हैं और बच्चे बनकर हम इसको कर रहे हैं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते वो, और उनका क्रिएटिविटी कितना ज़बरदस्त होता है। उनको चाहे आप चाहे एक पेंसिल दे दो, ब्रूम दे दो, कुछ भी दे दो, उससे वो अलग इमेजिनेशन कर लेते हैं अपना, और उस दुनिया में जैसे खो जाते हैं, खेलते हैं उसके साथ में, और खेलते हैं तो खुश रहते हैं, है ना। क्योंकि कोई भी खेल होता है, खेल में तो बहुत एंजॉयमेंट होता है, खुशी होती है। तो ऐसे ही हमें क्या करना है, जब हम ये मेडिटेशन या योग के प्रयोग कर रहे हैं, तो उसमें भी अलग अलग तरह से इस इमेजिनेशन को, इस क्रिएटिविटी को बनाए रखना है, प्लेफुल हो जाना है बिल्कुल, है ना। तो उससे बहुत मजा आएगा, खुशी होगी, और आप उसको एंजॉय भी करेंगे, उस जर्नी को, है ना। थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, तो चलिए विल स्टार्ट विथ सिंपल सिंपल एक्सपेरिमेंट्स, और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, सो चले विथ योर परमिशन। यस, थैंक यू। सो आराम से बैठे और ले चलेंगे अपने को यहाँ से कोई ऐसी जगह जहाँ पर आपने बहुत अलग अलग रंग के हैलोजन के बलून्स देखे, गैस के गुब्बारे देखे, कोई बीच पर, गार्डन के बाहर, या कोई भी जगह पर, कोई भी सड़क पर। बहुत ध्यान से देखिए अपने आप को उस जगह, उस स्थान पर, और देखिए आप उन बलून्स को देख रहे हैं, अलग अलग रंग के हैलोजन के बलून्स, गैस के गुब्बारे। अब देखिए उसमें से एक लाल रंग का बलून ले ले उस बलून को अपने हाथ में, और देखिए बहुत ध्यान से आपने उस धागे को अपने उंगलियों के बीच में कैसे पकड़ा है, उस धागे का रंग, उसका फील, और देखिए उस धागे को बहुत ध्यान से अपने उंगलियों के बीच, और उस धागे को देखते हुए धीरे धीरे देखिए ऊपर की ओर उस लाल रंग के बलून को, बहुत ध्यान से देखिए उस लाल रंग को, और उस लाल रंग के बलून को देखते हुए ले आए अपना अटेंशन वापस इस रूम में। गहरी सांस लेते हुए वापस, थैंक यू एंड वेलकम बैक। सो सभी ने लाल रंग का बलून देखा? यस, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। सो जैसे हमने लास्ट सेशन में एक फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो किया था, इट वाज अ रोज फ्लावर, उसको देखना था, उसको विजुलाइज करना था। तो दैट वाज आवर फर्स्ट टेस्ट, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, जिसको हम लिटमस टेस्ट कहते हैं। तो यहाँ पे भी चेक करना कि क्या हम उस फूल को या सॉरी उस बलून को देख पाए। सो अगेन यूजिंग योर सेंसेस, उसको टच कर पाए। सो इस तरह से जैसे हम वो सेंसेस को यूज़ करते हैं, तो एक एक्सपीरियंस हमारा बहुत अच्छा बनता जाता है, और उस विजन के साथ में हम कनेक्ट कर लेते हैं बहुत अच्छे से। तो वो हमें हेल्प करता है उस एक्सपीरियंस को और बेहतर और क्वालिटी एक्सपीरियंस करने में, है ना। तो चले आगे फिर। सो विल कंटिन्यू विद द सेम एक्सरसाइज, वापस ले चलेंगे उसी सीन में, और देखिए अपने आप को उस लाल रंग के गुलाब के, सॉरी उस लाल रंग के गैस के गुब्बारे को देखते हुए उस बलून को बहुत ध्यान से देखे। रेड कलर, और धीरे धीरे उस धागे को, उस स्ट्रिंग को नीचे की ओर खींचते जाए। बहुत आराम से, बहुत धीरे धीरे उस धागे को नीचे खींच रहे हैं, और देखिए उस बलून को,
और पकड़ ले अपने दोनों हाथों में, बिल्कुल अपनी आंखों के सामने लाल रंग का बलून, बहुत सुंदर आंखों के सामने, और देखिए बलून के उस पार हर एक चीज को, जैसे बलून से आप हर एक दृश्य को देख रहे हैं, हर एक चीज आपको लाल रंग में दिखाई दे रही है, हमारे आसपास की हर एक चीज लाल रंग में, जैसे कोई लाल रंग के चश्मे से देखते हैं, ठीक उसी तरह उस लाल रंग के बलून से उस पार देख रहे हैं हर एक चीज को। अब बहुत ध्यान से देखे मस्तक के बीच चमकता हुआ मैं सितारा, बहुत ध्यान से देखे मस्तक के बीच अपने आप को चमकते हुए सुंदर सितारे के रूप में, और देखे मैं सितारा मस्तक से उड़कर एंटर किया इस बलून में, बलून के अंदर हूं, और अंदर से मैं सितारा देख रहा हूं अपने ही चेहरे को, बहुत ध्यान से देखे लाल रंग में अपने चेहरे को बलून के अंदर से, आपका मस्तक, आपकी आंखें, लुक एट योर आईब्रोज, आपका नाक, आपके गाल, आपका पूरा चेहरा बहुत सुंदर लाल रंग में। अब अंदर से मैं सितारा उस लाल रंग के बलून में अपने आप को देख रहा हूं, हर एक चीज मुझे लाल रंग में नजर आ रही है। अब बहुत धीरे से उस बलून को अपने हाथ से छोड़े और देखिए ये गैस का बलून बहुत धीरे धीरे ऊपर की ओर उड़ता जा रहा है, और देखिए मैं बलून के अंदर से देख रहा हूं मेरे आसपास की हर एक चीज को धीरे धीरे छोटी छोटी होते हुए, मेरे आसपास के लोग, आसपास की गाड़ियां, पेड़ पौधे, सब कुछ छोटा छोटा हो रहा है, और मैं बहुत धीरे धीरे ऊपर की ओर उड़ता जा रहा हूं, बहुत धीरे धीरे हल्की हल्की हवा ऊपर की ओर ले जा रही है, और मैं ऊपर से हर एक चीज को देख रहा हूं लाल रंग में, आसपास के घर, आसपास की बिल्डिंग्स, रस्ते पर चलने वाले लोग, गाड़ियां, हर एक चीज छोटी छोटी होती जा रही है, और मैं धीरे धीरे और ऊपर की ओर उड़ता जा रहा हूं, ऊपर से देख रहा हूं हमारे पूरे एरिया को, हर एक चीज बहुत स्पष्ट, बहुत क्लियर दिखाई दे रही है, जैसे कोई कैमरामैन लेंसेस के थ्रू हर एक सीन शूट करता जाता है, ठीक उसी तरह मैं देख रही हूं अंदर से हर एक सीन को लाल रंग में, धीरे धीरे और ऊपर की ओर उड़ते जा रहे हैं, बहुत आराम से, बहुत हल्कापन महसूस हो रहा है, और ऊपर से देख रहे हैं पूरे शहर को, सब कुछ छोटा छोटा दिखाई दे रहा है, हर एक घर, हर एक बिल्डिंग, गार्डन्स, प्लेग्राउंड्स, एवरीथिंग इज सो क्लियर, सो ब्यूटिफुल, और मैं धीरे धीरे ऐसे ही ऊपर की ओर उड़ता हुआ बिल्कुल स्वतंत्र खुले आसमान में, जैसे एक पंछी की तरह उड़ रहा हूं, बिल्कुल लाइट हूं, बहुत बहुत हल्कापन महसूस हो रहा है। देखिए खुले आसमान में मैं सितारा उस बलून के अंदर, और उस लाइटनेस को फील करते हुए खुले आसमान में ले आए अपना अटेंशन, अपना ध्यान वापस इस रूम में, गहरी सांस लेते हुए वापस।
वेलकम बैक। तो सभी साथ में थे, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस दिस टाइम? चैट बॉक्स में लिख सकते हैं आपका, एक तो साथ रहे और दूसरा आपका फीलिंग कैसा रहा। पीसफुल? Didn't feel like coming down? Yes, wonderful. So, जैसे हम एक अपने आप को उस बलून के अंदर डालकर एक उड़ा दिया है ना, वेरी लाइट डिटैच्ड ऑब्जर्वर। ओके, वेरी गुड। सो इस तरह से हमारे लिए फिर इजी नहीं है ना, इजी है ना ये करना, राइट? तो अभी जैसे वेरी लाइट, थैंक यू ओम जी, थैंक यू। अब हमने बचपन से बहुत सारी कहानियां सुनी है, राइट? बहुत सारे अलग अलग स्टोरीज सुनते हुए हम बड़े हुए हैं, और वो कहानियां भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहती थी और काफ़ी एंटरटेन करती थी, है ना? काफ़ी सारे लर्निंग्स होते थे, वैल्यूज़ हमने उससे सीखे, राइट? एंड ये कहानियां सुनकर हमें बहुत अच्छा भी लगता है, खो जाते हैं उन कहानियों में। तो ऐसे ही हमने अलादीन की भी बहुत सारी कहानियां सुनी है, राइट? तो अलादीन तो सबको पता है ना। ओके, थैंक यू। फ्लाइंग इंडिपेंडेंटली, इट वाज नाइस एक्सपीरियंस, वेरी गुड, थैंक यू। सो अलादीन की जो कहानी है, अलादीन किस चीज़ के लिए फेमस था? कौन कौन सी चीज़ें हैं जो अलादीन की कहानी या अलादीन का नाम लेते हुए याद आती है, और व्हाट वाज ही सो नोन फॉर? चिराग, ओके, और जादू का चिराग, ओके, एडिशन हो गया उसमें, चिराग में जादू आ गया। मैजिक, यस, व्हाट एल्स? मैजिक के लिए, जादू के लिए, और देखते किसका आंसर आता है, राइट? समथिंग दैट विल यूज इन द नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट। बस उतनी, और कोई लिख रहा है, बता रहा है, किसी को शेयर करना है अलादीन की कहानी में, और कौन सी चीजें हैं या कौन सी बातों के लिए वो फेमस है? अलादीन 40 चोर, अच्छा। सेल्फलेस एक्ट्स एंड हिज डिटरमिनेशन टू रेस्क्यू जैस्मिन, ओके, जिन, ओके, एनीथिंग एल्स? एनीथिंग एल्स? और कोई चीज याद आ रही है आपको? और एक चीज बची है ना जिसके लिए वो फेमस था, बच्चे खासकर उसको एंजॉय करते हैं। ओबीडियंट जिन, ओके, पूछ रहे सब लोग, अलादीन। और कुछ ट्राई करना है आपको, और कुछ बताना है? कहाँ मेडिटेशन कर रहे हैं, कहाँ अलादीन के बारे में सोच रहे हैं? स्पीड, फ्लाइंग मैट, यस, वंडरफुल, ठीक है। सो विल यूज दिस फ्लाइंग मैट देन, ठीक है। अगले एक्सपेरिमेंट में हम ये जो कारपेट है, फ्लाइंग कारपेट है ना उसका, तो उसको यूज करते हैं, और उसको यूज करते हुए फिर हम अगले एक्सपेरिमेंट करते हैं, चलेगा? जैसे मैंने कहा कि आपको आज के जो एक्सरसाइजेस है उसमें आपको एकदम छोटा बच्चा बन जाना है, और छोटा बच्चा बनेंगे तो आप उस इमेजिनेशन को, उस विजुअलाइजेशन को आप एंजॉय कर पाएंगे, एंजॉय कर पाएंगे, और यू सी हाउ यू फील, हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस, ठीक है, चलेंगे? ओके, सो आराम से बैठकर गहरी सांस लेते हुए बिल्कुल कंफर्टेबल होके बैठ जाएंगे। टेक अ डीप ब्रेथ। वंस अगेन, टेक अ डीप ब्रेथ।
और देखिए अपने आप को, जहां भी आप बैठे हैं उस कमरे में, अपनी सीट पर। और अब देखिए धीरे धीरे आपके सीट के सामने जहां भी आप बैठे हैं एक बहुत सुंदर स्पेस क्रिएट हुआ, और उस स्पेस में एक बहुत सुंदर कारपेट है, बहुत बहुत सुंदर, बहुत बहुत अट्रैक्टिव। उस कारपेट में आपके सारे फेवरेट कलर्स है। बहुत ध्यान से देखेंगे उस कारपेट को, उसका रंग, उसके डिजाइन, जो आपकी सबसे फेवरेट डिजाइन है वो उस कारपेट पर है। दूर से बहुत सुंदर और बहुत बहुत आकर्षक है। अब धीरे से अपनी सीट से उठकर चलते हैं उस कारपेट की ओर, उसे गोल चक्कर लगाते हुए चारों ओर से उसे देख रहे हैं, और धीरे से उस कारपेट पर बैठ जाते हैं। और जैसे ही आपने उस कारपेट पर बैठे, वो कारपेट को फील कर रहे हैं, बहुत बहुत सॉफ्ट है। इट इज वेरी ब्यूटिफुल, वेरी सॉफ्ट, वेरी नाइस, वंडरफुल। अब देखिए इस कारपेट को धीरे से जमीन से ऊपर उठा, और एक हल्की हवा का झोंका, और आप देख रहे हैं धीरे धीरे ये कारपेट जमीन से उठकर आपके कमरे में आप गोल चक्कर लगा रहे हैं। धीरे धीरे वो ऊपर की ओर उड़ता हुआ आपके कमरे में, आप उस कारपेट पर बैठे धीरे धीरे गोल चक्कर लगा रहे हैं। सी योर सेल्फ फ्लोटिंग इन द एयर, हवा में तैर रहे हैं, उड़ रहे हैं। अपने ही घर में अपने कमरे से बाहर निकलते हुए चक्कर लगाए, बहुत ध्यान से देखते रहे अपने आप को उस कारपेट पर बैठे हुए। धीरे धीरे अपने घर में हर एक कमरे में गोल चक्कर लगाते हुए देखिए अपने आप को, और अपने आप को देखते हुए देखिए दरवाजे या खिड़की से रास्ता निकालते हुए आपके घर के बाहर, बाहर से देखिए आपके घर को गोल चक्कर लगाते हुए बाहर से देख रहे हैं आपके घर, आपके बिल्डिंग को गोल गोल चक्कर लगाते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर आपके घर को ऊपर से देख रहे हैं, और साथ साथ देख रहे हैं आसपास के घर, छोटे बड़े घर के आसपास के पेड़ पौधे, हर एक चीज बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही है। धीरे धीरे और ऊपर, और देख रहे हैं ऊपर से रास्ते पर चलने वाले लोग, गाड़ियां, गाड़ियों की आवाज, हर एक चीज बहुत बहुत क्लियर है। हवा में तैरते हुए कारपेट पर बैठे हुए हल्की हल्की हवा उसको महसूस करते हुए चक्कर लगाए ऊपर से अपने पूरे शहर में, और देखिए ऊपर से हर एक चीज आपको बहुत क्लियर दिखाई दे रही है। गार्डन्स, प्लेग्राउंड्स, खुले मैदान, अलग अलग रंग के घर, बिल्डिंग्स, एवरीथिंग इज सो क्लियर एंड विजिबल। बहुत ध्यान से देखे ऊपर से हर एक नज़ारे को, अपने पूरे शहर को, अपनी सारी फेवरेट जगह ऊपर से देख रहे हैं, और आपका शहर बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। और ऐसे ही धीरे धीरे उड़ते हुए ले चले अपने को खुले आसमान में, और देखिए अपने आप को कारपेट पर बैठे हुए उड़ते हुए उस ठंडी हवा का अनुभव लेते हुए,
अपने बालों को उड़ते हुए, फीलिंग दैट वंडरफुल ब्रीज, बहुत कंफर्टेबल है, बहुत आराम से है, बिल्कुल स्वतंत्र है, फ्री है, और वहां से ले चले अपने को ऊपर, देखे सफेद रंग के बादल, वाइट फ्लफी क्लाउड्स, उसके बीच में से रास्ता निकालते हुए देखे अपने आप को, बहुत सुंदर यात्रा, सफेद रंग के बादलों के बीच रास्ता निकालते हुए, वहां से धीरे धीरे नीचे वापस खुले आसमान में, अलग अलग शहरों को देखते हुए ऊपर से चक्कर लगाते हुए, हर एक सीन को देख रहे हैं, बड़े बड़े पहाड़, नदियां, खुले मैदान, जंगल, हर एक चीज ऊपर से बिल्कुल साफ, बिल्कुल क्लियर है। आ जाए धीरे धीरे नीचे, देखे गांवों को, वहां के हरे भरे खेत, वहां की ठंडी हवा, बहुत सुंदर मौसम। वापस कारपेट पर बैठे, ऊपर की ओर उड़ रहे हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, ले चले अपने को सागर के किनारे, देख रहे हैं नारियल के पेड़, सागर के लहरों की आवाज और शांति, बहुत अच्छा लग रहा है। कभी सागर के ऊपर पानी को टच करते हुए, उस सीन को देखते हुए, वापस खुले आसमान में अपने आप को देखते रहे और चले यहां से वापस ताजमहल की ओर। देखे इस सुंदर वास्तु को चारों ओर से गोल चक्कर लगाते हुए, वहां से घने जंगलों की ओर, जंगल के ऊपर से कभी बीच में से रास्ता निकालते हुए, पंछियों की आवाज सुन रहे हैं, वहां से चले हिमालय की बर्फीली पहाड़ियों की ओर, वहां से रास्ता निकालते हुए वहां की ठंडक को महसूस करते हुए, इजिप्ट के पिरामिड्स की ओर, वहां की गर्मी महसूस करते हुए, गोल गोल चक्कर लगाते हुए, छोटे बड़े पिरामिड्स को देखते हुए, टचिंग द टिप ऑफ द पिरामिड, उसको टच करके देखे वापस उड़ते हुए खुले आसमान में, वहां से चले नाइजीरिया के वाटरफॉल्स की ओर, पानी के देख रहे हैं वाटरफॉल्स को, कभी ऊपर कभी बीच में से उस पानी के गीलेपन को महसूस करते हुए, वापस खुले आसमान में प्रकृति की सुंदरता को देख रहे हैं, अलग अलग रंग, दूर फैला हुआ सागर, हर एक सीन बहुत बहुत क्लियर है। वहां से ले चले अपने को आईफिल टावर की ओर, उसे गोल गोल चक्कर लगाते हुए सबसे ऊपर, देखिए ऊपर से सारी सीन को, बहुत सुंदर, सबसे ऊपर, वहां से वापस बादलों के बीच रास्ता निकालते हुए, वापस खुले आसमान में चारों ओर चक्कर लगाते हुए, वापस अपने शहर की ओर, पूरे शहर को देख रहे हैं ऊपर से, धीरे धीरे अपने घर की ओर, घर के ऊपर गोल चक्कर लगाते हुए अपने घर को, दरवाजे या खिड़की से रास्ता निकालते हुए अपने कमरे की ओर, और देखिए उस जगह पर जहां पर आप बैठे थे, उस कारपेट पर, वहां कर बैठ गए, उसी कारपेट को बहुत ध्यान से देख रहे हैं, अलग अलग रंगों का बहुत सुंदर तरह से बनाया हुआ, वेरी ब्यूटिफुल, वेरी अट्रैक्टिव कारपेट। सुंदर यात्रा को अनुभव करते हुए धीरे से इस कारपेट से उठेंगे और चले वापस अपने सीट की ओर, और आकर आराम से बैठ जाए।
very comfortable and relaxed. गहरी सांस लेते हुए और जाएंगे वापस. Thank you and welcome back. So, how was your experience? साथ में रहे सभी? या कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? How was the feeling? Magical ride, beautiful experience, very good. चैट बॉक्स में लिख सकते हैं आप. अमेजिंग एक्सपीरियंस, ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस, ओके. हाउ इज द फीलिंग? ब्यूटिफुल, मैजिकल, ओके ओके, वेरी गुड. साथ में रहे, डिस्कनेक्ट हुए, वो भी आप बता सकते हैं. इतना सारा घूम कर आए, अच्छा, बैठे बैठे है ना, घर बैठे पूरे वर्ल्ड का चक्कर लगाया. यस, है ना. सो अच्छी रही यात्रा आपकी, थक नहीं गए ना? बैठे बैठे देखो सारी दुनिया घूम के भी आ गए. इजी था? वोंट वांट टू होल्ड ऑन टू द एक्सपीरियंस, डोंट फील लाइक कमिंग आउट, ओके. यस, तो चले वापस उसी एक्सपीरियंस को करते हैं, लेकिन इस बार जो है थोड़ा फास्ट रहेगा, थोड़ा मतलब ज्यादा ही फास्ट रहेगा, ओके. ज्यादा फास्ट रहेगा, ठीक है. तो अभी एक बार जैसे आपको आराम आराम से दिखाया ना पूरा, अभी आपको फास्ट जाके वो ट्रैवल करके आना है. चलेंगे ना, थकना नहीं ना. हाँ, बैठे बैठे आराम से वापस एक यात्रा करके आएंगे, एक और चक्कर लगा के आएंगे, क्योंकि इस बार अभी देखा है तो ईजी हो जाएगा, है ना. सो दिस इज गोइंग टू बी द सेकेंड लास्ट एक्सरसाइज, इसके बाद और एक एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है. सो आई एम ग्लैड आप आज के एक्सपेरिमेंट्स एंजॉय कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है ना. तो चलो चलते हैं आगे, ठीक है. सो याद रखना ये एक्सरसाइज थोड़ा फास्ट है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वन. पहले वाला था तो इसीलिए थोड़ा आराम से हुआ, बट दिस टाइम इट विल बी लिटिल फास्ट. सो चले आराम से वापस, देखिए अपने आप को अपनी सीट पर बैठे हुए और सामने वापस देख रहे हैं उस कारपेट को. वापस चलेंगे उस कारपेट की ओर, अपनी सीट से उठकर देखिए अपने आप को जाते हुए उस कारपेट की ओर. बहुत ब्यूटीफुल, बहुत अट्रैक्टिव, आपका फेवरेट डिजाइन को देखते हुए उस कारपेट पर बैठ जाते हैं और धीरे से देखे इस कारपेट को जमीन से ऊपर उठते हुए, हल्की सी हवा का झोंका फील करते हुए देखे इस कारपेट को धीरे धीरे और ऊपर की ओर उड़ते हुए. अपने कमरे में धीरे धीरे गोल चक्कर लगाते हुए हर एक चीज को बहुत ध्यान से देख रहे हैं. आपके घर में देखिए अपने आप को फ्लोट करते हुए, हवा में उड़ते हुए. आपके घर में हर एक कमरे में चक्कर लगाते हुए धीरे धीरे दरवाजे या खिड़की से बाहर की ओर, अपने घर को बाहर से बहुत ध्यान से देखे गोल चक्कर लगाते हुए. आसपास के पेड़ पौधे हर एक चीज को देखे और देखते हुए धीरे धीरे चले वापस ऊपर की ओर. ऑन टॉप ऑफ द बिल्डिंग, घर के ऊपर, और ऊपर से देख रहे हैं अपने घर को. घर के आसपास छोटे बड़े घर, बिल्डिंग्स, जो भी है, हर एक चीज को बहुत ध्यान से देखे. रास्ते पर लगी हुई गाड़ियां, हर एक चीज बहुत ध्यान से देख रहे हैं. धीरे धीरे वापस ऊपर की ओर पूरे शहर को देखते हुए, शहर की हर एक चीज को देखते हुए, हर एरिया को देखते हुए, वापस उड़ते हुए खुले आसमान में
बहुत सुंदर सीन है, हवा में उड़ रहे हैं, हल्की हल्की हवा चल रही है और आप बहुत कंफर्टेबल है, बिल्कुल आराम से बैठे हैं, हवा में उड़ रहे हैं, बहुत हल्कापन है, लाइटनेस है। अब धीरे से इस कारपेट पर खड़े हो जाए, आप देख रहे हैं आप बहुत अच्छे से बैलेंस कर पा रहे हैं अपने आप को एंड यू आर वेरी कंफर्टेबल। धीरे से एक पैर आपने कारपेट के ऊपर उठाया और आप अनुभव कर पा रहे हैं कि आप दोनों पैर बहुत अच्छे से बैलेंस कर पा रहे हैं। धीरे से उस पैर को नीचे रखे कारपेट पर और बहुत धीरे से एक कदम कारपेट के बाहर रखे और देखिए बहुत अच्छे से आप बैलेंस कर पा रहे हैं अपने आप को। आपने दूसरा पैर कारपेट से उठाकर कारपेट से बाहर रखा एंड यू आर स्टिल एबल टू बैलेंस योरसेल्फ परफेक्टली वेल, बहुत अच्छे से आप बैलेंस कर पा रहे हैं। एक दो कदम आगे चले और आप देख रहे हैं आप हवा में चल पा रहे हैं उस कारपेट को पीछे छोड़ते हुए, सुपरमैन की तरह, महावीर हनुमान की तरह आप अपने आप को देखे उड़ते हुए। बहुत ध्यान से देखे आपको अपने आप को हवा में फुल स्पीड से उड़ रहे हैं, ऊपर बादलों के बीच रास्ता निकालते हुए। देखिए अपने आप को उड़ते हुए, कभी बादलों के बीच, कभी खुले आसमान में, कभी धीरे धीरे नीचे अलग अलग शहरों के ऊपर बिल्डिंग्स को गोल गोल चक्कर लगाते हुए, छोटे बड़े घरों को देख रहे हैं, हर एक सीन को ऊपर से बहुत क्लियर देख रहे हैं। कभी देख रहे हैं नीचे गांवों को, वहां पर फैले हुए हरे भरे खेत, वहां की हरियाली, कभी खेत के ऊपर उस ठंडी हवा को फील करते हुए। देखिए अपने आप को उड़ते हुए वापस सागर के किनारे, वहां की लहरों की आवाज सुनते हुए, कभी पानी को टच किया, कभी नारियल के पेड़ के ऊपर, कभी उसके बीच में से, देख रहे हैं ऊपर से हर एक सीन, हर एक सीनरी को, ऊंचे ऊंचे पहाड़ उसके बीच में से रास्ता निकाल रहे हैं, कभी जंगलों के ऊपर, कभी बीच में से रास्ता निकालते हुए। देखिए अपने आप को वापस आगरा के ताजमहल की ओर, उसे गोल गोल चक्कर लगाते हुए चले वापस हिमालय की बर्फीली पहाड़ियों की ओर, पहाड़ियों के बीच रास्ता निकालते हुए, वहां की ठंडक को अनुभव करते हुए वहां से चले आगे इजिप्ट के पिरामिड्स की ओर, छोटे बड़े पिरामिड्स देख रहे हैं, वहां की गर्मी अनुभव कर रहे हैं, पिरामिड्स के टिप को टच करते हुए वापस खुले आसमान में, कभी नीचे कभी ऊपर, प्रकृति की सुंदरता को देख रहे हैं, अलग अलग रंग को देख रहे हैं, दूर दूर तक फैले हुए खुले मैदान, छोटे बड़े शहर, नदियां। चले वहां से नाइजीरिया की वॉटरफॉल्स की तरह, कभी पानी के ऊपर, कभी बीच में से पानी के गीलेपन को महसूस करते हुए गोल गोल चक्कर लगा रहे हैं, आईफिल टावर की ओर, वहां से सबसे ऊपर, कभी नीचे। ले चले अपने को अपनी सारी फेवरेट जगहों पर, अलग अलग शहरों में आपके सारे फेवरेट डेस्टिनेशंस, फेवरेट जगह, वहां तक जाए, ऊपर से देखे हर एक सीन सीनरी को, गोल गोल चक्कर लगाते हुए वापस अपने शहर की ओर, पूरे शहर को गोल गोल चक्कर लगा रहे हैं, हर एक स्थान को देखते हुए वापस अपने घर की ओर, दरवाजे या खिड़की से रास्ता निकालते हुए वापस आकर बैठ गए अपने सीट पर। और गहरी सांस लेते हुए आ जाएंगे वापस।
Thank you so much and welcome back. How was your experience this time? Kaisa raha? Saath mein rahe? How was the feeling? दो चार ही लोग सिर्फ लिख रहे हैं, हाँ बाकी सब इजी फ्लाइंग स्टेज, लिटिल फास्टर बट यस विद इट, ओके वेरी गुड, इंक्रीज्ड फोकस्ड, ओके वेरी गुड, बहुत अच्छा, गुड। हाँ ऐसा नहीं आप मुझे खुश करने के लिए लिखो, ठीक है ना, ओके सर गुड, फ्लाई करके सब जगह गए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है। तो अब आगे बढ़ें, सो हम आज का लास्ट एक्सरसाइज कर लेंगे अभी, ठीक है। सो ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस इन फ्लाइंग एंड ऑब्जर्विंग फ्रॉम टॉप ऑफ इट, एक्सेलेंट एंड वेरी यूनिक, ओके थैंक यू, वेरी नाइस, गुड। सो अगर आज के हम एक्सपेरिमेंट्स देखेंगे तो लास्ट टाइम का जो एक्सपेरिमेंट्स थे इट वॉज मोर विथ आर ओन सेल्फ, हमारे अपने साथ थे, हमारी अपनी बॉडी के साथ थे, सिर में लाइट फैलाई, बॉडी में लाइट फैलाई, वापस वो शांति का एक्सपीरियंस करके आए, सो पूरा अपने साथ ही थे। और आज के हम देखेंगे तो आज के जो सारे एक्सरसाइजेस थे वो कहाँ थे, फर्स्ट होमवर्क वाला एक्सरसाइज किया, फिर उसके बाद बलून ले आए, बलून में उस स्टार को डाला, उसको उड़ाया, फिर कारपेट ले आए, कारपेट को के साथ उड़े, फिर वापस कारपेट को लेके गए, कारपेट को भी छोड़ दिया, सो एक सपोर्ट लिया छोड़ दिया, सपोर्ट लिया छोड़ दिया, राइट। तो इट वॉज ईजी फॉर अस टू डिटैच आर सेल्व्स फ्रॉम द बॉडी, अपने शरीर से हमें अलग होने के लिए एक अनुभव करने को मिला कि हम बहुत ईजीली अलग हो सकते हैं, मुश्किल नहीं है, राइट। तो ये एक्सपीरियंस जब हम वापस आते हैं तो कैसा होता है वो चेक करना है कि जब हम गए तो कैसे गए और आए तो वापस कैसे आए, आने के बाद शरीर में आने के बाद वो कैसी एनर्जी फील करते हैं, यहाँ पे मेरे थॉट्स कितने रहते हैं, शरीर में वो जो लाइटनेस वाला फीलिंग है वो कितना रहता है और कितने समय तक रहता है, तो वो मुझे चेक करना है। तो इसीलिए जब हम शरीर से बार बार डिटैच होने का अभ्यास करते हैं तो हमें लाइफ में भी डिटैच होना बहुत ईजीली आ जाता है, राइट। तो अभी हम चलेंगे अगले एक्सरसाइज की ओर, ठीक है। किसी ने कहा एक्सपीरियंस द फ्लाइंग स्टेज विद विंग, फेल्ट लाइक एन एंजल, ओके बहुत अच्छा लगा, पायलट बन गए, वेरी नाइस, ठीक है। तो अभी हम वापस आ जाएंगे अपने उस पॉइंट ऑफ लाइट पर जो बहुत सुंदर सितारा है, शांति की लाइट फैलाने वाला, उस सितारे को ले जाएंगे वापस और उसकी लाइट हम चारों ओर फैलाएंगे और फैला के वापस आ जाएंगे। तो ये हमारा आज का होमवर्क एक्सरसाइज रहेगा जो आपको 8 times करना है पूरे दिन भर में, जब भी समय मिलता है तो, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज जरूर करके आना है आपको, ओके ओके ठीक है। सो चले फिर अगले एक्सरसाइज की ओर, आराम से बैठ जाएंगे और देखिए अपने आप को, मस्तक के बीच चमकते हुए सुंदर सितारे को, सफेद शांति की लाइट फैलाता हुआ शांति का सितारा, लुक एट दिस पॉइंट ऑफ लाइट स्प्रेडिंग वाइट ब्राइट लाइट, light of peace, और देखिए इस शांति की लाइट में आपका चेहरा बहुत सुंदर, बहुत आकर्षक, full of light, और
और देखे धीरे धीरे ये शांति का प्रकाश, ये शांति की लाइट मेरे पूरे शरीर में फैल रही है, मेरे हाथों में, मेरे पूरे बॉडी में, पैरों तक शांति का शुभ्र प्रकाश, वाइट ब्राइट लाइट, लाइट ऑफ पीस। और देखिए धीरे धीरे ये लाइट मेरे आसपास, मेरे चारों ओर पूरे कमरे में फैल रही है। My room is full of light, light of peace. पूरा कमरा शांति के शुभ्र प्रकाश में, शांति की लाइट में। अब देखिए इस ब्राइट लाइट में मेरे मस्तक से उड़कर ये सितारा सफेद शांति की लाइट फैलाता हुआ चला धीरे से ऊपर की ओर, मस्तक से उड़कर धीरे धीरे ऊपर, अपने घर की सीलिंग को क्रॉस करता हुआ बिल्डिंग के ऊपर, और ऊपर से देखे अपने घर को और फैलाए इस लाइट को आपके पूरे घर पर। देखे ऊपर से मैं शांति का सितारा, शांति की लाइट फैला रहा हूं अपने पूरे घर पर। देखिए आपकी लाइट हर एक कमरे में जा रही है और हर एक व्यक्ति पर फैलती जा रही है। शांति का सितारा, शांति की लाइट फैला रहा है। और देखिए अंदर से बाहर से आपका पूरा घर शांति की लाइट से रोशन है। शांति का प्रकाश चारों ओर है। और धीरे धीरे देखे इस लाइट को फैलते हुए आपके आसपास के घरों पर, ऊपर से आपके पूरे एरिया में हर घर हर व्यक्ति शांति की शुभ्र प्रकाश में। बहुत आराम से इस लाइट को फैला रहे हैं। सी द लाइट स्प्रेडिंग, वाइट ब्राइट लाइट, लाइट ऑफ पीस। देखे इस सितारे को धीरे धीरे और ऊपर उड़ते हुए फैला रहा है इस शांति के प्रकाश को पूरे शहर में। शहर का कोना कोना, हर घर हर ऑफिस, हर एक व्यक्ति हर प्राणी शांति की लाइट में। बहुत आराम से शांति का प्रकाश फैला रहे हैं और ऊपर से देखे अपने पूरे शहर को शांति की वाइट लाइट में। देखे धीरे धीरे शांति का प्रकाश फैलाते हुए मैं शांति का सितारा उड़ता हुआ चला और ऊपर, बादलों को पार करता हुआ इस ग्रह के भी ऊपर, सितारों के बीच मैं सितारा चमक रहा हूं, अपनी शांति की लाइट फैला रहा हूं। देखे नीचे इस सुंदर विश्व के गोले को, नीले हरे सफेद रंग की छटाओं में सुंदर विश्व। Look at this planet Earth. अब हमें इस
शांति के प्रकाश को, शांति की लाइट को सारे संसार में, सारे विश्व में फैलाना है। देखे मुझ सितारे की लाइट, शांति का प्रकाश फैल रहा है दूर दूर तक, चारों ओर के जंगल, हर एक प्राणी शांति के शुभ्र प्रकाश में। बहुत ध्यान से देखते जाए, मैं शांति का सितारा, शांति की लाइट फैला रहा हूं। और धीरे धीरे देखिए इस लाइट को फैलते हुए देश विदेश के हर एक व्यक्ति पर, हर गांव, हर शहर में, I'm enjoying this experience of spreading light. शांति का प्रकाश मुझसे चारों ओर फैलता जा रहा है। अब देखिए धीरे धीरे ये लाइट फैल रही है चारों ओर की नदियों में, सागर में, ये शांति का प्रकाश, ये शांति की लाइट हर प्राणी, हर मनुष्य, प्रकृति को, सागर, नदियों को, सबको शांत कर रहा है, सबको एक कर रहा है। और मुझसे देखे इस लाइट को चारों ओर फैलते हुए, चारों ओर की हिंसा, दुख समाप्त हो गया, चारों ओर शांति ही शांति है। और सभी चारों ओर से कह रहे हैं, हे शांति के दूत, हे शांति के देवता, इस शांति के लिए, इस शांति के अनुभव के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दिल से आपको बार बार धन्यवाद कर रहे हैं इस शांति के लिए, इस शांति के अनुभव के लिए। देखे मैं शांति का सितारा, शांति का प्रकाश फैलाता हुआ, सबकी दुआएं लेता हुआ वापस धीरे धीरे आ रहा हूं नीचे की ओर, शांति की लाइट फैलाता हुआ इस ग्लोब में एंटर किया। ऊपर से देखे धीरे धीरे नीचे, मैं सितारा, शांति की लाइट फैलाता हुआ बादलों को पार करता हुआ ऊपर से अपने शहर पर शांति का प्रकाश फैलाता हुआ धीरे धीरे नीचे, अपने घर पर शांति की लाइट फैलाता हुआ सीलिंग को क्रॉस करते हुए आकर सेट हो गया मस्तक के बीच। और फील करें उस एनर्जी को, उस लाइट को अपने पूरे शरीर में। शांति का शुभ्र प्रकाश, वाइट ब्राइट लाइट मेरे आसपास, मेरे चारों ओर, और मेरा मन बिल्कुल शांत है, लाइट है।
स्थिर है। इस शांति को अनुभव करते हुए धीरे धीरे ले आए अपने को वापस थैंक यू सो मच एंड वेलकम बैक। सो कैसा रहा आपका आपका एक्सपीरियंस? हाउ वाज इट? सभी साथ में रहे? Thank you, sister. ठीक है, so ये आज का हमारा पूरा सेशन रहा, जहाँ पर हमने मन बुद्धि क्या है उसके बारे में जानते हुए उस डिटैचमेंट वाले एक्सपीरियंस को किया कुछ सिंपल क्रिएटिव विजुअलाइजेशंस के साथ। तो आशा करते हैं कि आप सभी को आज का अनुभव अच्छा लगा हो, और इस होमवर्क एक्सरसाइज को आप ज़रूर करना। और अगले सेशन में हम मिलेंगे नेक्स्ट वीक, और उसमें हम थर्ड सेशन जो है हमारा, उसमें कैसे सोना है, सोने के पहले कैसे मेडिटेशन करना है, स्लीप साइकिल क्या है, स्लीप हाइजीन क्या है, और कुछ और क्रिएटिव विजुलाइजेशंस के साथ हम इस जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग टुडे सेशन।